मानव जीवन में भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति के लिए ही हमको ये मानव जन्म मिला है। ये शरीर एकमात्र मानव जीवन भगवत प्राप्ति ही प्रधान उद्देश्य होनी चाहिए। निदेह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मयानुकुलन नवश्चतरितं पुमान भवाब्दीं अतरेश्वात्मा। ये संसार सागर में मनुष्य तुन पा करके जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। लेकिन साधन जीवन में साधक चाहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए बहुत आशा लेकर के जो भगवत उन्मुखी हो गए हैं, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य मान करके भगवत प्राप्ति के लिए ही समस्त साधन चेष्टा, तो उन साधक के लिए हमारे आचार्य ने छह वेग है, हमारे जो मन की जो वेग है, गति है, इसको संयम करना बहुत जरूरी है। बंगला पैर में है, वाक्य वेग मनोवेग क्रोधवेग आर उदर उपस्थ जीवा वेग सुनिर्वार। यही छय वेग जे बा करे धारण से पारे सकल पृथ्वी करीते शासन। बोलता ये छय वेग है माने फोर्स, हमारा मन को प्रभावित करके उस विषय चिंतन करने में या भगवत चिंतन से मन को हटाने में समर्थ हो जाता है अगर इस वेग के प्रति हमारा संयमन नहीं रहता है। एक है वाक्य वेग, शब्द वेग, कुछ बोलने का, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत प्रतिवाद करने का चेष्टा, तुरंत उसको एक जवाब देने का चेष्टा, तो ये क्या होता है, कभी कभी अनर्थ हो जाता है। इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। ये शब्द वेग के कारण बड़ा अनर्थ हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। सुनहरा संसार में फूट पड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। एक शब्द वेग के कारण ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो जीव आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना शब्द कठिन शब्द वेग, ऐसे ऐसे कठोर शब्द। इसीलिए पहले तो इस शब्द वेग को धारण करना जरूरी है, वाक संयम। फिर है मनोवेग, मनोवेग तो और कठिन है। मन विषय में भी हम लोग आलोचना कर चुके हैं, ये मनोवेग तो और कठिन है, इसको संयमन करना तो उतना सहज नहीं है। गीता में भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं, चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यांग निग्रह मन्य वायु रूप सुदुष्करम। वायु को निरोध करना कठिन है, जैसे असंभव है, मन को भी इस तरह से संयमित करना, निरोध करना, ये भी ऐसा ही है, कठिन है, असंभव है। तो भगवान कहते हैं, असंशय महाभाव हो मनोधुन निग्रह चलम अभ्यास न तु कुंतो वैराग्य न चक्रिच्छति। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका संयमन करना चाहिए। अभ्यास है मन को संयम करने के लिए एकांत में रह करके भगवत चिंतन करने का प्रचेष्टा। तत्सहित वैराग माने अनाशक्ति, अगर मन में हमारे वस्तु विषय में आसक्ति रहती है तो जाके मन स्वाभाविक उस विषय चिंतन करने में मजबूर हो जाता है। विवश होकर मन उस विषय चिंतन करना शुरू कर देता है। ये मन की गति विषय आसक्ति के कारण ये मन को संयमन करना मुश्किल है, जा करके वहीं पर संलग्न हो जाता है, विषय चिंतन करना शुरू कर देता है जहाँ जहाँ उसके आसक्ति। इसीलिए वैराग जरूरी है, अनाशक्ति भगवत भजन के लिए अनाशक्ति जरूरी है। अगर मान लो आसक्ति है तो मन संयम करना असंभव हो जाएगा। मन विवश होकर जहाँ जहाँ तुम्हारा मन की आसक्ति है वहाँ जाकर मन संलग्न हो जाएगा, तुम्हारा मन भगवत चिंतन में तल्लीनता प्राप्त करना संभव होना असंभव है। फिर क्रोधवेग, वाक्यवेग मनोवेग क्रोधवेग। एक क्रोध एक भयंकर रिपु है,
हमारे चैतन्य चरित्र में इतने कहते हैं क्रोधे ना करे कि बा क्रोधो त्याग सौदा दिबा। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर जो ये छह रिपु है। रिपु माने दुश्मन, संस्कृत में रिपु कहते हैं दुश्मन को। ये छह दुश्मन हमारे भीतर रह रहा है, निवास कर रहा है। तो पहले ये जो दुश्मन है इसको संयमित करना जरूरी है। उसके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध। क्रोध में बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाता है, बहुत भारी अपराध करने में वो हिचकते नहीं है। जब क्रोधित हो जाता है तो बुद्धि विपर्जय हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाता है। क्रोध के समय उसका बुद्धि विपर्जय हो जाता है। इसीलिए क्रोध को संयमन करना बहुत जरूरी है। गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, अतो कन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवास्नेयो बलादि वनियोजितो। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ एक अदृश्य शक्ति बलपूर्वक हमारे मन को निषिद्ध वस्तु चिंतन करने में मजबूर कर देता है। विवश कर देता है, विवश होकर मैं उस विषय चिंतन करने में मजबूर हो जाता हूँ। अतः कन प्रयुक्त पापं चरति, पाप विषय चिंतन करने में, पाप करने में हमको मजबूर कर देता है, फोर्स करके। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं चाहता नहीं हूं जो ऐसा कर्म करूं, फिर भी एक विवशता जानबूझ करके हम वो निषिद्ध विषय निषिद्ध कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है? इच्छा ना रहते हुए भी हम निषिद्ध कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कामो येषु क्रोधो येषु रजोगुणो समुद्भवो महाशन महापापम विद्यनम इह वैरिणाम। ये काम और क्रोध, ये क्रोध आया है, ये खतरनाक रिपु। ये रिपु साधक को विवश कर देता है, निषिद्ध कर्म करने में मजबूर कर देता है। एक विवशता आ जाती है, भूल कर बैठता है, दुखी हो जाता है। दुखी होने से क्या होता है? भूल हो जाता है, फिर दुख करने से क्या होता है, है ना? तो क्रोध एक ऐसे खतरनाक रिपु है। काम येषु क्रोधो येषु रजोगुणो समुद्भवो महाशन महापापम विद्यनम इह वैरिणाम। फिर कहते हैं त्रिविध नरकस्येदं दारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधो तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं। एक तीन, ये तीन है नरक का द्वार, काम क्रोध और लोभ। काम माने कामना, इंद्रिय विषय भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये जो है ये कामना जो है, ये कामना भगवत विषय नहीं, इंद्रिय भोग्य विषय, ये कामना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो कहते हैं त्रिविध नरक शेदं दारं नाशनम आत्मन हो, आत्मना को नाश करने वाला है ये तीन, काम क्रोध और लोभ। लोभ माने लालसा। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। घर छोड़ने से त्याग नहीं होता है। घर छोड़ दिया लेकिन मन में काम क्रोध लोभ बैठा है तो बोलते वो त्याग नहीं हुआ। वो त्याग से कुछ नहीं होता है। काम क्रोध मतलब कि जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। जब तक मन में काम क्रोध लोभ बैठा हुआ है तब तक पंडित बड़े बड़े बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मन में काम क्रोध है। तो तुलसीदास कहते हैं वो मूर्ख में और वो पंडित में कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर है, उसको पंडित कहा नहीं जाएगा। शब्द में तो पंडित है, जैसे हम जैसे शब्द में तो पंडित तो दिखने में आता है, बड़े बड़े बात करते हैं,
हैं, लेकिन मन के अंदर काम क्रोध लोभ, तो बोलते वो पंडित नहीं, उसे मूर्खो और पंडित दोनों बराबर है। इसीलिए क्रोध को संयमन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन होना मुश्किल है। छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी विषय पर थोड़ा सा विरोधाभास होने से ही चित्त विक्षेप हो जाता है, क्रोध हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मन को विचलित कर देता है, भगवत चरण से हटा करके बार बार उसी विषय चिंतन करना शुरू कर देता है, घर में अशांति फैलाता है। अगर आप चाहेंगे जो भाई घर में कोई अशांति कलह नहीं करेंगे, सब शांत रहेंगे, तो फिर हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा होना संभव नहीं है, ये तो होगा, लेकिन तुमको संयम रहना है। अगर तुमको भजन करना है तो तुमको सहन करना पड़ेगा। तो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं जब क्रोधित होता है, क्रोध आ जाता है ना घर में, किसी से हो ऐसे शब्द प्रयोग हो गया जिससे क्रोधित हो गया, तो उस स्थिति में वो स्थान परित्याग करना चाहिए, वहां खड़े होना नहीं चाहिए, बात करना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं, ऐसे झगड़ा हो गया, वो क्रोधित हो गया, तो उस समय ना समझाना चाहिए ना कुछ बोलना चाहिए, उसमें अनर्थ हो जाएगा वो सब। क्यों? जब क्रोधित हो जाता है तो बुद्धि विपर्जय हो जाता है, बुद्धि विपर्जय के कारण वो समझेगा ही नहीं, झगड़ा बढ़ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो उस समय वहां स्थान परित्याग करके चले जाना चाहिए, ये उत्तम उपाय है। इस तरह से उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सहन करने का चेष्टा करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे, हम एक दिन प्रश्न किए, बाबा ऐसे मन के ऊपर तो ऐसे दबाव तो होता नहीं है, ये मानता नहीं है काम क्रोध लोभ आदि, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए? तो बाबा कहते हैं, देखो पहले क्या होता है, जब दूध उठाते हैं तो फस करके बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, गिर जाता है दूध, लेकिन बहुत समय उठाते 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 जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर फस करके फिर गिरता नहीं है, फिर उतना जल्दी गिरता नहीं है। तो ऐसा ही काम क्रोध लोभ आदि ये प्रवृत्ति जो है, इसके ऊपर दबाव डालना चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन करते 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 क्रोध के ऊपर दबाव दे करके, जैसे हमारा मन क्रोधित ना हो, उसको सहन करते 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 क्रोध आ जाएगा, लेकिन ठीक है, प्रतिज्ञा मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, इस तरह से अभ्यास के द्वारा धीरे 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 उसका अभ्यास हो जाता है, फिर उतना उफान आ जाता नहीं है। इस तरह से क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहते हैं, क्रोधे न करे कि बा क्रोध त्याग सदा दिबा, क्रोध को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। और साधक के लिए तो ये भयानक विघातक होता है क्रोध, साधक के लिए जो भजन करना चाहते हैं, जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति ही जिसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उस साधक के लिए तो ये तो भयावह विषयवत है, उसको तो सहन करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। क्रोध जब तक रहेगा तब तक जाकर के उसको आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या करके ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या किए हैं, तपस्या करके बहुत सारे योग शक्ति विभूति बहुत सारे प्राप्त कर चुके हैं। आप सब साधु संत समाज में आए हैं, जो हमको स्वीकृति दिया जाए कि हम ब्राह्मण है तो क्षत्रिय, लेकिन तपस्या के बल पर ब्रह्मत्व प्राप्त करके वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, सब स्वीकृति देंगे तब ना, तब संत समाज समाज के पास गए। संत समाज कहते हैं कि अगर वशिष्ठ जी आपको स्वीकृति दे दें तो हम लोग भी स्वीकृति दे देंगे। वशिष्ठ जी थे सबके मान्यता प्राप्त संत, वशिष्ठ जी, तो
विश्वामित्र गए उनके पास, वशिष्ठ जी कहते नहीं, अब ब्राह्मण होने का लायक नहीं है, है। तो बहुत नाराज हो गए वशिष्ठ जी के ऊपर, जी जानबूझ करके इच्छा करके हमको छोटा करने के लिए, हम इतना कठोर तपस्या करके हम ब्रह्मत्व प्राप्त करने का लायक बन गए हैं, फिर भी हमको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, ये इच्छा करके इस हमारे ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमने कठोर तपस्या इतना तपस्या किया, कई बार गए हैं और हर बार कहते नहीं अभी आपका समय नहीं हुआ ब्रह्मत्व प्राप्त करने का। तो गुस्सा के मारे इतना क्रोधित हो गया कि वशिष्ठ मारण यज्ञ शुरू किए हैं, एक यज्ञ करेंगे उसमें वशिष्ठ को मारना है, तो वशिष्ठ मारण यज्ञ करेंगे ऐसे अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गए हैं। वशिष्ठ मारण यज्ञ, अब होता कौन होगा इसका, होता तो पुरोहित जो होना चाहिए वो कौन होगा, तो इसके लायक तो कोई है नहीं वशिष्ठ मारण यज्ञ का, तो एकमात्र होता तो वशिष्ठ जी हो सकते हैं, आप वशिष्ठ जी के पास जाइए, वशिष्ठ जी अगर मान जाए तो वो होता हो सकते हैं। तो क्या करें, गए हैं वशिष्ठ जी के पास, आइए आइए मुनिवर बोलिए क्या आदेश हमारे प्रति, नहीं मैं एक यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता हूँ उसमें आपको होता बनना पड़ेगा। बोले कौन सा यज्ञ, ना वशिष्ठ मारण यज्ञ तो वशिष्ठ जी बोलते हैं ठीक है हम राजी हैं, हम होता बनेंगे, अब जब ही अब हमको आदेश करेंगे हम चलेंगे आपके साथ। तो उनके ये त्याग देख करके फिर जाके विश्वामित्र मुनि का मन ही बदल गया, ये इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा संत है जो अपना निजी मृत्यु के लिए स्वयं होता बन रहे हैं, तब जाके उनके चरण में पड़ गए हैं, क्षमा कीजिए हमको ब्राह्मणत्व का कोई प्रयोजन नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, हम ब्राह्मण बनना नहीं चाहते हैं, अब हम पर कृपा कीजिए दया कीजिए, तब जाके वशिष्ठ जी कहते हैं है, आज आप ब्राह्मण बनने का लायक बन गए हैं, आज आप ब्राह्मण है। ये क्रोध जब गया, जब विनम्रता आ गई, तब जाके वशिष्ठ जी स्वीकृति दिए हैं आप ब्राह्मण है ना है। तो ये बात है, ये क्रोध जब तक रहता है तब तक वो संत बनना भी मुश्किल है, संत तो इसके ऊपर है, संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिना निर्ममा निरहंकार निर्दंधा निष्परिग्रह, ये गुण जिन में है वो संत है। तो क्रोध जब तक रहता है तब तक साधक को परमार्थ जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए ये सिर्फ त्यागी साधु ही नहीं, गृहस्थी में भी जो हैं जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए भी क्रोध बहुत विघातक है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संयमन की बहुत चेष्टा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर संसार में कलह अशांति हो जाता है और उसमें मन लिप्त हो जाता है, मन विक्षेप आ जाती है, मन में विक्षेप आकर भजन में मन लगता नहीं है, कभी कभी मन ऐसे उचाटन हो जाता है जो भजन भजन छोड़ छाड़ के चलो यहाँ से, घर छोड़ के चलो यहाँ से, ऐसे इस तरह से विपर्जय आ जाता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी अगर परमार्थिक मंगल चाहते हैं उसके लिए भी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा भी होता है कि अब जैसे काम नहीं है क्रोध है, क्रोध नहीं है काम है, या लोभ नहीं है काम क्रोध है, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी में काम अधिक है अधिकता है, क्रोध देखने में कम आता है लेकिन क्रोध है, किसी में लोभ दिखने में कम है, ऐसा अधिकता और लघुता ऐसा देखने में आता है लेकिन है रहेगा, ये कब तक रहता है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके थोड़ा बहुत तो रहेगा ही नहीं तक, लेकिन साधक साधन चेष्टा के द्वारा
संयमन के द्वारा धीरे 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 इसके ऊपर दबाव डालने में समर्थ हो जाता है। बस देखने में आता है जैसे काम बहुत लोग है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो दबाव देने में, दबाव डालने में समर्थ हो जाता है साधक, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, इतना फर्क है। लेकिन है नहीं ये कहा नहीं जाएगा, ये तो तभी निश्चिंत होता है तभी जब साधक जाकर के भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं भगवत कृपा से, तभी जाकर उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, समस्त अविद्या ग्रंथि खुल जाता है, तभी निरापद भूमि में पहुंचता है, तभी जाकर इससे मुक्त होता है। जय राधा।